ये नहीं उठ रही है, ये कहीं इधर मुंह कर लेती है कहीं इधर। साबनी भाई सुबह हो गई, उठ जाओ। अले उठो भैया, देखो उठो उठो संध्या, जरा इनको जगाओ आके, देखो आके कर रही है। उठो उठो भाई, ये देखो कितना खुश होके उठी। अरे वाह अरे वाह अरे वाह, उठ गई निन्नी, पूरी हो गई। इधर देखो निन्नी हो गई, निन्नी हो गई तो हाय करो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब ब्लॉग पर, जिसका नाम है चंदन चिल ब्लॉग्स। और आज दिन है मंगलवार और सुबह का हो रहा है 9:30। मैं जाग चुका हूँ, नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ, और बिटिया रानी भी जाग गई है हमारी, नहा धोकर रेडी हो गई, खेल रही हैं इस वक्त। साहब नी क्या खेल रहे हो, जरा हाय करो, हेलो बोलो। ओके, और दोस्तों एक बात बतानी थी कि कई दिनों से हमारे चैनल पर कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था, उसका एक कारण था क्योंकि हमारा ये कौन है इधर, कौन लग रहा है, कौन है नहीं। क्यों नहीं, नहीं। ये नाश्ता लेकर आई हैं, तो नाश्ता भी बाद में करेंगे। पहले बता दें कि हमारा जो चैनल, हमारे चैनल पर कई दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे थे, उसका कारण ये था कि हमारा फ़ोन हो गया था ख़राब और इसलिए ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। अब उसी फ़ोन को अभी ठीक कराया है, लेकिन साथ में ही आज ही एक फ़ोन बुक कर दिया है, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा और उसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, क्योंकि ब्लॉग बनाने के लिए एक अच्छे फ़ोन की ज़रूरत है, इसलिए हमने उसको बुक कर दिया है। और अब ब्लॉग आपके पास में आते रहेंगे, क्योंकि इसको ठीक करा लिया है, जब तक सही है तब तक तो आते ही रहेंगे, उसके बाद में नया फ़ोन आ जाएगा और उससे आपको डेली ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। दोस्तों उसमें क्या हुआ था कि अचानक से वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, दिन भर चला और रात में सोने से पहले मैंने उसे पावर बैंक से चार्जिंग पर लगा दिया और सो गया। सुबह जब उठा तो वो मुझे स्विच ऑफ मिला, तो लगा शायद पावर बैंक चार्ज नहीं, लेकिन पावर बैंक फुल चार्ज थी, और जब उसको चेक किया तो वो स्टार्ट नहीं हुआ। कई बार फिर मैंने चार्जिंग पर लगा के रखा, उसे बार बार स्टार्ट किया, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ, और आखिरी में वो स्विच ऑफ का स्विच ऑफ ही रह गया। जब शॉप पर दिखाया जाके तो उसकी एक पावर आईसी ख़राब थी, उसको मैंने ठीक कराया और अब वो चल रहा है, उससे काम चल रहा है अभी। लेकिन नया फ़ोन बुक किया है, कौन सा है वो फ़ोन वो अभी नहीं दिखाऊंगा। मैंने दो चीज़ें बुक की हैं, एक तो मोबाइल फ़ोन बुक किया है और साथ में ही एक गिम्बल भी बुक किया है, उसको भी मैं दिखाऊंगा अपने अगले न्यू ब्लॉग में। और ये मेरा नाश्ता, इसमें दलिया, चाय, पानी। चाय कर इसके साथ में क्या मतलब था, अरे दीदी अभी दूध ला रही हूं मैं। नाश्ता कर लिया हमने और नाश्ता कर लिया तो पापा की एक किसी ले, अच्छा पापा की एक टुकू लगा दी, टुकू लगा बिट्टी। अच्छा इधर देखो, बताओ सबको, आपने नाश्ता किया, नाश्ता किया, तो दोस्तों नाश्ता हो चुका। अब बारी है दुकान पर जाने की, अब बारी है दुकान पर जाने की, क्योंकि भैया गए हुए हैं लद्दाख और अब मुझे ही दुकान को अभी संभालना है कुछ दिनों तक, इसलिए अब मैं जाता हूँ दुकान पर और वहीं पर बैठ करके आज के इस ब्लॉग को एडिट करूँगा और आगे का ब्लॉग बनाता जाऊँगा। ये हमारी लीड ले गई, ए लीड लाओ, लाइए, थैंक यू थैंक यू। फेंको नहीं बेटा गंदी बात। साबनी ने ये तकिए सब फेंक दिए जमीन पे, और साबनी कहाँ है मिल नहीं रही। साबनी बेटा, साबनी हम आपको ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो साबनी, साबनी ये देखो यहाँ छिपी है, ये पकड़ लिया पकड़ लिया, आ जाओ। कहाँ जा रही, कहाँ जा रही, कहाँ चली, देखो देखो, देखो।
आलू ले लो, सब्जी ले लो, ले लो आलू ले लो, क्या चिल्ला रही है। सो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं हूँ अपनी शॉप पर और मेरे सामने ये चार बच्चे बाइक चला रहे थे, इनका पेट्रोल ख़त्म हो गया, ये बारिश के मज़े ले रहे थे, भीग रहे थे। और अब मैं वीडियो शूट करने लगा हूँ तो ये लोग डर रहे हैं, बहुत जल्दी से भागने की कोशिश कर रहे हैं और पेट्रोल ख़त्म हो गया इसलिए भाग ही नहीं पा रहे हैं। ये देखिए मुझे देख रहा है, अब ये बाइक कर रहे हैं बाइक चल नहीं रही है, पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्दी कि निकल लें यहाँ से। वो देखो हाय कर रहा है, बेचारे पैदल ही भाग दिए डर की वजह से, चार चार बच्चे यार एक बाइक पर बैठे। सो फ्रेंड्स, रात का हो रहा है 9:43 और मैं अभी कुछ ही देर पहले लगभग 9:30 के लगभग मैं अपने घर पर आ गया था, शॉप को ऑफ करके घर पे आ गया था। और अब बारी है खाना खाने की, रात के खाने की, और संध्या बिटिया रानी को अंदर सुला रही हैं तो अब मैं तो अभी खाना खाऊंगा क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। दोपहर में आया था, बारिश में बारिश हो रही थी बहुत तेज़, आज पूरे दिन बारिश हुई है, बिल्कुल भी बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। और दोपहर में आया था इसलिए सूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं बिल्कुल पूरी तरह से भीगा हुआ था। और अभी आया हूँ तो अब भोजन करता हूँ। हेलो, सुबह से वो आप लोगों से बात कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल आई नहीं आप लोगों के सामने और इतने दिनों से हमका फ़ोन ख़राब था तो हम लोग मिल नहीं पाए, हमारा कोई भी ब्लॉग या चैलेंज कुछ भी आप लोगों के बीच शेयर नहीं हो पाया। बट कोई नहीं, आज से अब हम लोग फिर से पहले की तरीके मिलेंगे और इन्जॉय करेंगे और जितनी भी मस्ती होगी वो आपके बीच शेयर करेंगे। इन्होंने अपना न्यू ब्रांड न्यू फ़ोन मंगाया है, तो फ्रेंड से एक नया फ़ोन बुक कर दिया है और गिम्बल भी बुक कर दिया है और मोबाइल जो है हमारा वो लगभग मंडे तक आ जाएगा, मंडे तक आ जाएगा और गिम्बल आने वाला है शायद कल या परसों में आ जाएगा। और फ़ोन जो बुक किया है वो है वन प्लस। मुझे इतनी डिटेल नहीं पता है फ़ोन के बारे में, तो उसका वो क्या होता है, कोड वोड छोटे मोटे जो होते हैं लिखे होते हैं मॉडल नंबर, मॉडल नंबर नहीं पता। वन प्लस का फ़ोन बुक कर दिया हमने और वो मंडे तक आ जाएगा। उसके बाद में मेरे ब्लॉग, हम लोगों के ब्लॉग चैनल सब हम लोगों के फिर से दोबारा से अच्छे से आने लगेंगे। इस फ़ोन को दिक्कत ये हो गई थी कि अचानक से स्विच ऑफ हो गया था और लगभग 3 या 4 दिन बाद ये सही होके आया, लेकिन ये कैमरा इसका काम नहीं कर रहा था इसलिए हम लोगों के ब्लॉग्स और चैलेंज दोबारा से बन नहीं पाए। आज कैमरा अचानक से काम करने लगा तो हम लोगों ने दोबारा से आज फिर से ब्लॉग बना दिया और अब नया मोबाइल आ जाएगा फिर हम लोग पूरी तरह से आप लोगों से मिलेंगे, चैनल के द्वारा आपसे दोबारा से मिलने लगेंगे पूरी तरह से। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ और रात का कितना बज गया है, 10:30। अब मेरी समझ से तो हम लोगों को लेटना चाहिए, चलते हैं। आप आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करें। ओके तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना वो मत भूलना। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग आज का पसंद आएगा, चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं, आप कल फिर से मुलाकात होगी।